नमस्कार सभी दोस्तों को। आज फिर से हाजिर मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे एमटास एडी टेबलेट के बारे में। एमटास एडी टेबलेट हम इसमें हम कंटेंट्स की बात करें तो इसमें एमलोडिपिन बेसिलेट, आईपी मतलब कि इंडियन पाउडर 5 mg, और एटीनोल आईपी पाउडर 50 mg मतलब कि 50 mg। इसमें दोस्तों दो साल्ट का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों इंडियन पाउडर, ठीक है दोस्तों। तब हम बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों की जाती है इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये 15 गोली की एक पैकिंग है, 15 टेबलेट्स पर स्ट्रिप, आलू आलू पैकिंग। तो दोस्तों इसके MRP की बात की जाए कि ये 15 गोलियाँ 141 रुपये की, 15 गोली की पैकिंग में आती है, 141 रुपीज़ की। तो अब हम दोस्तों इसकी बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, कि किस बीमारी में ये दवा ली जाती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम कि एमटासीटी टेबलेट का क्या यूज़ है। तो दोस्तों ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा लिखे जाने वाली एक दवाई है, जो कि डॉक्टर के प्रस्क्राइब पर ही दी जाती है, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हाई ब्लड प्रेशर में, ठीक है दोस्तों। इसमें आयु, लिंग और रोगी की पिछली स्वास्थ्य जानकारी के अनुसार एमटासीटी की खुराक दी जाती है। इसकी सही मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि मरीज की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके से दवा दी जा रही है, या जानकारी विस्तार में भाग में दी गई है कि एमटास एटी कैसे कैसे नए, ये सब अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही दी जाती है। और दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो हो सकते हैं कुछ ना कुछ, वैसे जल्दी से होते नहीं है, हो साइड इफेक्ट हुई भी, जैसे कि सिर दर्द, थकान, पेट दर्द आदि। एमटास एटी कुछ अन्य नुकसान भी हैं जो साइड इफेक्ट्स के खंड के लिए किए हैं। एमटास एटी के दुष्प्रभाव जल्दी ही खत्म हो जाते हैं और इलाज के बाद जारी नहीं रहते, कि दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर साइड इफेक्ट थोड़ा सा हो भी जाए तो कुछ टाइम के लिए रहते हैं साइड इफेक्ट, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। एमटास एटी दोस्तों बीपी कम करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। एमटास एटी एमलोडिपिन एटीनोलोल टेबलेट 5/50 mg, समझ गए ना, कि एमलोडिपिन 5 mg और एटीनोलोल 50 mg, ठीक है दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर, तो दोस्तों हम थोड़े से इसके दुष्प्रभाव की और साइड इफेक्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि तेज़ धड़कन होना, सीने का फड़फड़ाना, मतलब जैसे कब्ज भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं हल्के हल्के, थकान भी रहती है, पेट दर्द, मुंह सूखना, ठंडे हाथ होना, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी बीमारी है तो एमटास एटी को ना लें, क्योंकि इससे अपनी स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर उचित समझे तो आप इन रोगों के ग्रस्त होने के बावजूद एमटास एटी ले सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर, लीवर रोग, गुर्दे की बीमारी में हम ये दवा नहीं ले सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एमटास एटी टेबलेट, ये दोस्तों 15 गोली की पैकिंग आपको 141 रुपये में मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, जय हिंद।